अटा किस काम की, जिसमें बूंद पानी नहीं वो मनुष्य किस काम का, जिसने कदर जानी नहीं। जय हो। अपने करकमलों से ये अनमोल मुद्राएं आप कलाकार को सप्रेम भेंट कर रहे हैं जी, बहुत बहुत आभार। वो दरिया ही किस काम का, जिसमें न हो रवानी, जोश ही नहीं है तो किस काम की जवान। देश और धर्म के लिए जो मिटता है वही महान होता है, वही पूजनीय होता है। आइए, ज्यादातर जैसा कि मैंने पहले कहा था, देशभक्ति की चर्चा में अपने प्रोग्राम में रखता हूं, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये भी एक देशभक्त के स्मृति में, उनकी याद में और उनके आप सबके सानिध्य में ये प्रोग्राम चल रहा है जी। तो ध्यान से सुनिए, भारत देश वो महान देश है जो आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। दुनिया इसके पीछे चली थी और आगे भी चलने वाली है जी। मैं इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, आप लोग सभी जानकार हैं, समझदार हैं। देशभक्ति के लिए जुड़ते हुए यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा, करीब 2 साल से ऊपर ही होने वाला है जी। क्यों भारत महान है, क्यों दुनिया इसको पूछती है, ये बता रहा हूं। भारतवर्ष, ये घोषणा हो गई भारत की तरफ से कि अगर भारत के बच्चे को जो यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे, किसी को भी आंच आ गई तो समझ लेना ये रूस को चेतावनी दे दी है। और जैसे ही वहां से हमारे जो बच्चे भाई बेटे जो भी थे उनको हम निकाल करके लाए ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। तो सज्जनों, जैसे बच्चे निकल करके आए तो रूस की जो गोलीबारी थी वो रुक जाती थी और सभी बच्चे आ गए जी। लेकिन अब सुनिए, वहीं पे एक पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश, क्या वो अपने यहां से तो निकला है, वहां की एक बिटिया वो भी वहां पढ़ने गई थी। आदरणीय महान भावों, उसने देखा कि सभी देश के बच्चे चले गए, मैं अकेली यहां रह गई, मैं क्या करूं जो मैं अपने देश को अपने वतन को पहुंचूं। उसके दिमाग में एक बात आती है, अपने रूम से अपना जो सामान था, सामग्री जो थी वो सब ली और भैया उस कमरे से निकल करके बाहर आ रही हो, देखो क्या हुआ, सुनिए। चली युद्ध के बीच वो अबला और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है, और गोली ही पहाड़ी और रुकी रूस की गोलीबारी, अचानक से रूस की रुक गई। उस बिटिया को, उस बच्ची को देख करके नहीं रुकी, क्यों रुकी सुनो मैं बता रहा हूं, अगर बात समझ में आ जाए तो हाथ उठ जाने चाहिए देशभक्ति के लिए। अरे चली युद्ध के बीच वो अबला और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है, और गोली बारी और रुकी रूस की क्योंकि बाके हाथ में लगे होती। दंगा है गोली बाहरी रुकी रूस
उसकी हातम देख तिरंगा है। बेसिक लटका लो बरमाला, बेसिक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता, मजबूत इरादे किए बिना बिस्तरों का तजन नहीं होता, एक झूठ बोलने वाले की बातों में भजन नहीं होता, और बेसिक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन। आप लोग भाव से बैठिए, विश्वास दिलाता हूँ जो जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है तो तुम आपको आनंद आता जाएगा। आइए और एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपने जो भजन को अपने जिगड़ी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, जो सज्जन खड़े हैं, जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहे, नहीं वो बैठे ही रहे। आइए क्या बात है सज्जनों, ध्यान को वहीं लगाएंगे और सूक्ष्म तरीके से मैं आपको उस कथा को समझाते हुए आगे ले चल रहा हूं। चंचल कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी घबराने की बात नहीं है, ये भारतवर्ष है और यहाँ एक से एक बढ़कर के योद्धा है और यहाँ कोई ना कोई लाज बचाने वाला जरूर होगा। हे सज्जनों, चित्तौड़गढ़ के महाराज राज सिंह के लिए वो बिटिया एक पत्र लिखती है और पत्र में कहती है कि औरंगजेब ने लिखपाती मेरे डोला की भिजवाई है और मेरो बाबुल कमजोर भूप जाके बस की नाय लड़ाई है, सो पहली ब्याह की मोले जाओ फिर छत्रापन की छांट छटेगी और नहीं तो या में प्यारी। पहले तो सभी ने गर्दन को झुका लिया, लेकिन उस सभा के अंदर चूड़ावत सरदार बैठे हुए थे और वीणा को चबा लिया। योद्धा ने सेना की टुकड़ी ली, सेना को सजाया, लेकिन नई शादी हुई थी और नाम था पत्नी का हाड़ा रानी। आपने सबने इतिहास पढ़े हैं, हाड़ा रानी, और हाड़ा रानी की याद आ गई और अचानक से एक हलकारे को बुलाया और क्या जवाब दिया, भैया और मान महल तक जाइयो और मेरी प्यारी हाड़ा पे देखा सनसानी लइयो। और हलकारे से कहा कि जाकर के मेरी निशानी लेकर के आ। और सज्जनों वो हलकारा चला और महलों में पहुंच गया जहां पे हाड़ा रानी थी, जाकर के कहा महाराज ने आपकी निशानी मंगाई है। देखिए ये भारतवर्ष वीरांगना का ही है और देखिए उस वीरांगना नारी ने क्या जवाब दिया कि दो दिन का मेरा रंग रूप, दो दिन का मेरा रंग रूप, दो दिन की मेरी जवानी है और जाए समर में जंग लड़ है और मांगे खास निशानी है। सो रूप जाल में फंस गया पंछी, रूप जाल में फंस गया पंछी, वो आगे कहां बढ़ेगो और वो कैसे युद्ध बढ़े।
जो हमारी निशानी मंगा रहा है वो युद्ध क्या करेगा। लेकिन भैया हलकारे तू आया है तो तुझे निशानी जरूर दूंगी। पर देखिए क्या निशानी दे रही है भैया। हरे चंद्रमा से चेहरा पे देखी मोहित पिया हमारो है, और यही निशानी और ऐसी निशानी ले जाइयो जा देख लड़े मतवारो है। ओ भैया हरे हरा रानी ने तलवार को उठा लिया जी, और देखिए क्या हुआ भैया धर्मवीर। हरे तेगाल की सृजन अपनो ये भारतवर्ष, देखिए यहां कैसा कैसा बलिदान हुआ है। हरे तेगाल की सृजन अपनो धड़के कर दियो न्यारो है, यही निशानी ले जाइयो जाए देख लड़े है मतवारो है। ओ भैया रे लाला रे लाला रे भैया रे। और सज्जनों 3 मिनट से मास्टर जी अभी तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, आइए कोई बात नहीं, इस व्यक्ति के सुन सजनो। देखिए चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको गीत तो सुना ही रहा हूं, देशभक्ति की हमने भवानी के तौर पे आपको कुछ पंक्तियां सुनाई, देशभक्ति का ही हमने ऐतिहासिक कथा भी आपको भजन जिकड़ी के रूप में सुनाया, और देशभक्ति का ही हम लोग गीत रखेंगे, है ना। और उससे पहले मैं इस सरदारी को नमन करते हुए दो पंक्तियां आपके लिए कहना चाहता हूं। बड़ा प्यारा गांव है और प्यारा क्षेत्र है, सभी कलाकारों को आप लोग सुन रहे हैं, जैसी वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं कलाकार, आप उसी प्रकार से उनको सराहा रहे हैं, सराहना दे रहे हैं। तो सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, जी हाँ आपके लिए क्षेत्र के लिए, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सुनते हैं बड़ों की बात को और मान लेते हैं। समय सबको मिलता है ये प्रकृति का नियम है, निशिल बुलंदियां वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। ये आपके लिए थी, एक बार अपने लिए भी बजा लीजिए, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी, अब सुनो, भारत के वो जावां योद्धा, देश धर्म पे मिटने वाले एक योद्धा की वो कथा, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं गीत के माध्यम से। हकीकत दुश्मनों से लोहा लेते हुए इस वीर योद्धा ने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन एक दुश्मन की गोली वीर के सीने को चीरती हुई पार निकल गई। सजना जब उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश जब गांव में आई तो गांव में क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया, आसपास के लोग एकत्रित होने लगे, रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब आ गए। और हे सजना जिस महिला ने पति को खोया था देश के लिए, वो महिला भी वहां मौजूद थी, और उस महिला की मैया भी मौजूद थी। आज उस मैया ने देखा कि बेटी के मांग का सिंदूर नहीं पूछा है, हाथ की चूड़ी नहीं टूटी है, तो कहने लगी बेटी जरा पहचानती है सामने जो पड़ा ये कौन है। उसने कहा माँ मैं पागल नहीं हुई हूँ,
मैं सब जानती हूँ ये कौन है, तो बेटी बताना कौन है। तो देखिए वो क्या जवाब दे रही है। मेरे पति की लाश है, जो रखी है मेरे अगार, शहीद देश पे हो गए ये मेरे भरता। माँ मैं पागल नहीं हुई, मैं सब जानती हूँ मेरा पति है, मेरे पति है जो देश के लिए जान गंवाई है। मैया बोली, बेटी तेरे पति हैं तो तू विधवा हो गई, विधवा, और तुझे विधवा होने का कोई गम नहीं है। सजनों उस नारी ने कहा कि मैं विधवा हो गई, मुझे इसका कोई गम नहीं है। बड़ी सोचने की बात है, लेकिन देखिए उस नारी के उस बात में एक रहस्य छुपा हुआ। उसने कहा क्यों गम नहीं है, सुनिए। विधवा का मुझको और कुछ गम नहीं है, क्यों? क्योंकि इतिहास खून से वो रचा के गए और तिरंगे की इज्जत बचा के गए। देखो माँ,
आइए विश्वम देखो दुश्मन को उंगली पे नचा के गए हैं तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं भल्ला इस कड़ी में सुन लीजिए इस गीत का भी निचोड़ है और इसका भाव सारांश भावार्थ आप समझें। उस महिला ने देश के नौजवानों के लिए एक संदेश दे दिया। हे भारत के नौजवानों, देखिए देश के झंडे के तीन रंग होते हैं, सफेद, ग्रीन यानी हरा और केसरिया, बीच में एक चक्र भी है। हाँ जी, अब देखिए इन रंगों के बारे में वो कह रही है और क्या समझा रही है, सुनिए। भारत के नौजवानों, अगर भारत के झंडे का एक भी रंग फीका हो गया तो गजब हो जाएगा। पंडित जी, छुपा रंग केसरिया में सिंदूर मेरा, छुपा रंग केसरिया में सिंदूर मेरा, टूटी हरी चूड़िया तो हो जाएगा चक्कर सफेद साड़ी मेरी, हे पट का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, सुहागिन अभागिन जचा के गए हैं और तिरंगे की इज्जत बचा